उत्तराखंड में सियासी संकट और गहरा गया है। राज्यपाल ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में साफ कह दिया है कि 28 मार्च को जो बहुमत साबित करना है उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि रावत सरकार 9 बागी विधायकों को सस्पेंड कर बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर छोटे राज्य के सपनों को चकनाचूर करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में गंदगी मत फैलाइए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्या मैं आप पर इतना भारी पड़ रहा हूं कि आप मुझे देखना नहीं चाहते। लेकिन यदि धन शक्ति से यहाँ की सत्ता में परिवर्तन होगा तो फिर इस राज्य में हर साल कोई न कोई धन पशु धन बलि आकर के इस राज्य के मुख्यमंत्री को अभ्यस्त करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि यदि ये सब लोग मुझसे कोई पिटीशन करते तो मैं कहता तभी यार मैं ही इतना तुमको भारी पड़ रहा हूं, इतना इतना नामुराद चेहरा है मेरा कि आप उसको नहीं देखना चाह रहे हो। मैं खुद ही हाथ जोड़ करके, लेकिन मेरे राज्य में ये गंदगी मत फैलाओ। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी सरकार की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंची महबूबा मुफ्ती आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो पीडीपी की नई शर्तें नहीं मानेगी। एनआईए ने पठानकोट हमले में मारे गए 4 आतंकियों की तस्वीरें जारी की हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने प्रेस रिलीज में इन आतंकियों के हुलिये का ब्यौरा भी दिया है। मारे गए आतंकियों में से एक के दोनों पैर का अंगूठा नहीं था। इन आतंकियों के बारे में सूचना देने वालों को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकारी गवाह बने डेविड कोलमैन हेडली से जिरह अब बुधवार से शुरू होगी। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अदालत को बताया था कि हेडली का एक वकील स्वस्थ नहीं है, जिसके बाद जिरह की तारीख बढ़ा दी गई थी। निगम के मुताबिक हेडली से जिरह 4 दिनों तक चलेगी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की भगत सिंह से तुलना करने के विरोध में भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगाए, जिसमें कहा गया है कि शहीद भगत सिंह के अपमान के लिए कांग्रेस माफी मांगे। प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता छगन भुजबल की चीनी मिल और 290 एकड़ जमीन जब्त कर ली गई है। दोनों की कीमत 55 करोड़ रुपए आंकी गई है। इससे पहले ईडी ने भुजबल की 280 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भुजबल की हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इसमें नेपाल और चीन के बीच 10 समझौते हुए। इन समझौतों में सबसे अहम ट्रांजिट ट्रेड डील भी शामिल है। इस डील के तहत नेपाल में चीन रेलवे लाइन बिछाएगा। जापान के अलग अलग स्टोर में अब आपकी मदद के लिए पैपा नाम के रोबोट होंगे। इन रोबोट की खास बात यह है कि ये इमोशन पढ़कर उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। कल वर्ल्ड पपेट डे मनाया गया। इस मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स एक्वायर पर लोगों की भीड़ जुटी। लोगों ने अपने अपने पपेट के साथ उस दिन को सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड T20 में भारत से हारने के बाद अफरीदी की कप्तानी से छुट्टी हो गई है। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा है कि वर्ल्ड T20 के बाद अफरीदी पाकिस्तानी टीम के कप्तान नहीं होंगे। पाकिस्तान में अफरीदी के उस बयान की भी काफी आलोचना हो रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा भारत में प्यार मिलने की बात कही थी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने चुनावी रंजिश में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलिया थाना के मधुसूदनपुर दियारा की है। हत्या से नाराज लोगों ने बेगूसराय सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मारे गए महेश राम और रामप्रकाश राम चचेरे भाई थे और महेश राम मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। छपरा के गरखा थाना के मारायणपुर सफीटोला में एक देवर ने भाभी की हत्या कर दी और फरार हो गया। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी, उसकी हत्या इसीलिए की गई। वारदात के बाद से तमाम आरोपी फरार है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गया के गुरुआ में दबंगों का कहर गांव के ही एक शख्स पर टूटा है। आरोपों के मुताबिक दबंगों ने राजमिस्त्री का काम करने वाले रामरूप यादव का हाथ तलवार से काट दिया और उसका एक पैर भी तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित का बायां हाथ भी जख्मी है और उसे भी काटना पड़ सकता है।
पीड़ित का कहना है कि आरोपियों के साथ पिछले साल होली के दौरान विवाद हो गया था और बदला लेने के इरादे से उस पर हमला बोला गया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दिनेश यादव ने आरा पर बैठ गया दीवारी से, सुलेंदर साथ है, लटक करके हमको गर्दन में लग गया, हम भी लग गए उनको साथ। अगर बाद भाई उसका लेके निकला तलवार और राट से घोटी तोड़ दिया मेरा। घोटी तोड़ने के बाद जैसे कि हम गिर गए तो हाथ पकड़ करके दाहिना काट दिया उन लोग धरती पर रख करके तलवार से। पटना की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने गया के बारा चट्टी के कलाइन होटल से करीब 25 लाख रुपए की अफीम और डोडा जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स बिहार के जोनल डायरेक्टर ने बताया कि जीटी रोड के लाइन होटलों में अफीम और डोडा बेचे जाने की खबर लगातार मिल रही थी। सूचना पुख्ता होने के बाद छापा मारा गया और होटल में तहखाना बनाकर रखा गया 1.5 किलो अफीम और करीब 1 क्विंटल 16 किलो डोडा बरामद किया गया। बारा चट्टी एक होटल में ये अफीम और डोडा की बरामदगी हुई। क्या इसकी मात्रा है और इसमें क्या किसको अरेस्ट किया? अफीम 1 किलो 550 ग्राम है और डोडा चूड़ा 116 kg है और इसमें एक व्यक्ति होटल मालिक बिजू की गिरफ्तारी हुई है जो बरवाड़ी गाँव का रहने वाला है। सिवान जिले के सराय इलाके में एक बथान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी चपेट में आसपास के 6 और घर आ गए। इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज से शुरू होने वाले बिहार दिवस की तैयारी पूरी हो गई है। पटना के गांधी मैदान के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सचिवालय समेत राज्य के तमाम सरकारी कार्यालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नीले रंग की रोशनी में सरकारी कार्यालय नहा रहे हैं।